नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका रोज़मर्रा टीवी न्यूज़ में तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा, जितनी भी मीडिया है वो चुप है, क्योंकि 2016 2016 8 नवंबर रात 8 बजे मोदी जी की तरफ से जो नोटबंदी का ऐलान पूरी भारतवर्ष को जो सुनाया गया था, उसमें आपने देखा कि उस समय कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे थे कि काला धन निकलेगा, तो चैनलों ने काफ़ी कुछ हमें बताया था और उपलब्धियां गिनाई थी कि इससे ये फ़ायदा होगा, इससे वो फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नोटबंदी से किसी को भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, सरकार तक को भी इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि अगर लगी होती तो हकीकत ये थी कि अपनी उपलब्धियों की गिनती में नोटबंदी का जिक्र भी वर्तमान सरकार अवश्य करती। दोस्तों, हम यही जानते हैं कि नोटबंदी झटके से लिया हुआ एक फैसला था, ऐसा नहीं है, तैयारी की थी, एक अच्छी पहल हो सकती थी। नोटबंदी से 4 घंटे पहले जैसे ही आरबीआई को बैठक में मोदी जी की तरफ से जब ये बताया जाता है कि हम ये एक बहुत बड़ा कदम हिंदुस्तान में उठाने जा रहे हैं, तो आरबीआई ने मोदी जी से यही कहा था कि नोटबंदी से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो काला धन की आप बात कर रहे हैं वो रियल एस्टेट में है, लोगों ने सोने पे लगा रखा है, गहनों पे लगा रखा है, और जो कैश है वो उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि हम अगर इस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं तो उससे काला धन निकलेगा। काला धन रियल इस्टेट में और सोने में और जो है कि हीरे जवाहरातों में उद्योगपतियों ने लगा रखा था वो पैसा। तो आपने देखा उस दौरान दोस्तों कि जनता बहुत परेशान हुई, काफ़ी लोगों की शादी तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक लिमिट थी कि आप 2,000 रुपये से ज़्यादा या 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। तो आरबीआई ने ये बोल दिया था कि नोटबंदी सक्सेस आपकी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर पैसा उद्योगपतियों ने जिनके पास काला धन है या तो रियल इस्टेट में वो लगा चुके हैं, या फिर वो उन्होंने भाई सोने के जो गहने हैं, जो हीरे जवाहरात हैं, तो उसमें उन्होंने अधिकांश अपना रुपया लगा रखा है, तो कैश तो है ही नहीं। तो जब कैश है ही नहीं तो वो काले धन के रूप में आएगा कहाँ से? तो ये एक पूरी की पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हुआ, जिसका खामियाजा हम अभी भुगत। दोस्तों, हम मानते हैं कि कोरोना काल ने हमारी कमर तोड़ी है, हमारी नहीं अपितु पूरे विश्व की कमर तोड़ी है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको अगली खबर की तरफ लिए चलता हूँ। नोटबंदी को आज 5 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जिस टाइम पर नोटबंदी का फरमान सुनाया गया था सरकार की तरफ से, उस टाइम गोदी मीडिया ने काफ़ी कुछ बयानबाजी की थी। कोई कहता था कि 2,000 के नोट में चिप लगी है, तो कोई कहता था कि उपग्रह से सिग्नल आएंगे और जहाँ भी ये पैसा जमा होगा, तो 2,000 रुपये के नोट वो डायरेक्ट नासा को जाएगा। तमाम प्रकार की बातें पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया उस समय मीडिया के द्वारा। लेकिन अभी जब 5 साल हो गए, अगर इस उपलब्धि को उपलब्धियों में गिनाया जाता है, जैसे कि बीजेपी सरकार अभी कहती है कि हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन किया, अच्छी बात है किया, अपनी उपलब्धि को गिना रही है, तो नोटबंदी की उपलब्धियाँ को वो भूल क्यों गई? अगर ये फ्लॉप शो नहीं होता तो अभी की उपलब्धियों में नोटबंदी की उपलब्धि भी गिनाई जाती। तो सरकार को खुद पता है कि भैया ये जो नोटबंदी की नीति थी ये पूरी तरीके से हमारी फ्लॉप हुई है, ना कोई काला धन आया, जितना गतिमान पैसा था उतना ही सर्कुलेशन में आया, क्योंकि एक हम कहते हैं ना भाई, सर्कुलेशन में जो पैसा है वो सर्कुलेशन में ही रहने दो, आदमी की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च ही कहाँ से करें। तो मैं आपको अगली न्यूज़ बताता हूँ कोलकाता से। तो कोलकाता में आपने भी देखा होगा, मीडिया काफ़ी दिखा रही है इस न्यूज़ को, टुकटुकी दास नाम की एक लड़की है, उनके माता पिता का सपना था कि हम अपनी लड़की को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उच्च कोटि की इनको सरकारी नौकरी मिले, वो यही सपना आंखों में सजोए, उसकी पढ़ाई में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी कमी पेश नहीं आने देते थे। तो अपनी बेटी को उन्होंने
क्योंकि गरीब परिवार से थी टुकटुक की दास, तो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और जद्दोजहद करी और इंग्लिश में MA भी उन्होंने कर लिया, डिग्री हासिल कर ली टुकटुकी दास ने, जो रहने वाली हैं कोलकाता की। तो जब वो हार गई, जब उनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने हर जगह अप्लाई किया, जितना पैसा था उतना लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने कोलकाता में अपनी चाय की दुकान टी शॉप स्थापित की। और हम पढ़ते हैं ना कि भैया इस नाम की टी शॉप है या स्टॉल लिखा होता है अपने नाम के आगे, स्टॉल लिख देते हैं टी स्टॉल। तो उन्होंने लिखा है टुकटुकी दास इंग्लिश MA टी स्टॉल, यानी कि इसका मैं अगर हिंदी में अनुवरण करूं तो इसका नाम रहता है इंग्लिश में MA करी हुई एक लड़की ने चाय की दुकान खोल रखी है जिसका नाम है टुकटुकी दास। तो दोस्तों माता पिता के सपनों में पानी फेरा और जब उसने देखा कि अब बस बहुत हुआ, अब मैंने ही कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उन्होंने अपनी टी शॉप खोल दी। दोस्तों ये एक ही मुहावरा नहीं है या एक ही इंसान नहीं है कि जो इस तरह का फैसला कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। पढ़े लिखे इंग्लिश में MA की डिग्री लिए हुए व्यक्ति अगर चाय की दुकान खोले तो आप समझ सकते हो ये आने वाले वक्त के लिए एक चिंता का विषय है। जब कोई माता पिता अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देते हैं तो उनका एक सपना होता है कि उनके बच्चों को एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करे हमारी सरकार। लेकिन जब हमने टुकटुकी दास का नाम लिया और टुकटुकी दास की कहानी आपको सुनाई तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपने भी भविष्य में ये चिंता करनी पड़ेगी कि भाई कहीं हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर चाय की दुकान, मूंगफली की दुकान या सड़क में कहीं भुट्टे भुट्टे ना बेचें। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों, इस पर हमारी सरकार को सोचने की ज़रूरत है, इस पर हमें भी सोचने की ज़रूरत। तो दोस्तों अगली न्यूज आ रही है कि 30 नवंबर से जो गरीबी को फ्री राशन अवतरित कराया जा रहा था बीजेपी सरकार की तरफ से, 30 नवंबर के बाद वो अब दिया जाना पूर्णतया बंद हो जाएगा। तो अब इस पर दो बातें होंगी। पहली बात कि भाई बीजेपी सरकार की हमने यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कि कोरोना काल से लेके अब तक का जो सफ़र था इसमें उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन भी पूरा किया और जो फ्री राशन था वो भी गरीबों की झोली तक पहुँचाया। और कहीं ना कहीं दोस्तों गरीब जनता को ये लाभ एक रामबाण साबित हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें अन्य देशों की तो वहाँ भुखमरी के हालात भी पैदा हो चुके थे। ऐसे कई देश हैं, कोरोना काल में लोग घर पर बैठे थे, आदमियों के काम धंधे चौपट थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये काम बहुत अच्छी तरीके से निभाया, एक प्रतिबद्धता के साथ किया कि भाई हर गरीब की झोली में राशन जाए और वो भूखा ना रहे, भले वो अपने घर में भी है, उसके पास काम धंधे नहीं भी हैं, उसके पास जॉब नहीं भी है, उसके पास पैसा नहीं भी है, तो कम से कम उसको हम खाना तो वितरित कर सकते हैं। और मोदी जी की ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी कि हम गरीबों को फ्री राशन आवंटित कराएंगे। अब सवाल आप लोगों के मन में यही उठेगा कि ये सरकार 30 नवंबर के बाद हमें क्या राशन फ्री में नहीं देगी, हमें राशन फ्री में नहीं बांटेगी। तो दोस्तों आप अपने दिल से ये सवाल कीजिए कि कोई भी सरकार, मोदी सरकार ही क्या, वो कोई भी सरकार हो, वो फ्री राशन आखिर कब तक बांटेगी? क्योंकि दोस्तों राशन उगाया जाता है किसान द्वारा, भले वो गेहूँ हो, चावल हो, चीनी हो, दाल हो, अगर किसान फसल उगाकर सरकार को हमेशा हमेशा के लिए फ्री में दे तो सरकार भी आपको
और हमें फ्री में राशन आवंटित करेगी। ये जो सरकार ने अब तक फ्री राशन दिया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हम ये भी समझ सकते हैं इस बात को कि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें हमें छेद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये दौर था कोरोना काल का, ये एक ऐसा दौर था कि सरकार को फैसले लेने में बिल्कुल भी चूक नहीं करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे देश में अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और उनके पास अभी कोई काम धंधा नहीं है, तो हमने उनको फ्री में राशन आवंटित कराना है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक नेक काम हम कह सकते हैं मोदी जी की तरफ से, कि भाई कोई इंसान भूखा ना रहा, गरीब की झोली में भरपूर राशन आया। तो इसमें जो है कि मोदी जी बधाई के पात्र हैं और द ह्यूमन नेचर की पूरी टीम उन्हें धन्यवाद भी करती है कि उन्होंने भाई अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा साथ दिया गरीब का, कि उनको फ्री राशन आवंटित कराया। तो दोस्तों, रोज़मर्रा न्यूज़ टीवी में आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे आराम, क्योंकि मैंने न्यूज़ लानी है आपके लिए, करना है मैंने अब यही काम। तो धन्यवाद दोस्तों।